सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जावा प्रोजेक्ट सीरीज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम अब तक काफी कुछ कर चुके हैं। अगर मैं आप यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो अब तक हम काफी क्लासेस बना चुके हैं। ठीक है, एंडिंग की बस 3 या 4 क्लास रहती हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फ्रेम था जिसमें डिपार्टमेंट थे, होटल मैनेजमेंट सिस्टम था। यहाँ पे अगर मैं एडमिन और 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, लॉग इन करता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट फ्रेम खुलेगा जो कि हमारे प्रोजेक्ट का मेन फ्रेम था, जहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है काइंड ऑफ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, एड एम्प्लॉय, अगर हमें होटल में किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है। ठीक है, फिर एड रूम्स था, यहाँ से हमने रूम्स ऐड किए थे अपने होटल में। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर्स थे, जहाँ पे हमने अपने ड्राइवर्स ऐड किए थे रूम में। ठीक है, होटल में। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के अंदर रिसेप्शन का ऑप्शन था, जहाँ पर मेरे पास ये सभी ऑप्शन थे फिर रिसेप्शन के अंदर। ठीक है, इसमें हम काफी कुछ बना चुके हैं, हम यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म बना चुके हैं, ये रहा। ठीक है, ये न्यू कस्टमर हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया था, अगर हमारे पास कोई होटल में नया गेस्ट आया है तो उसके लिए। ठीक है, फिर हमारा हम यहाँ पे ऑल ऑल एम्प्लॉय इन्फो चेक कर सकते हैं कि ठीक है कि हमारे पास होटल में कितने एम्प्लॉयज हैं और उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हमें मैनेजर अलग से चेक करने हैं तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन है, मैनेजर इन्फो का। ठीक है, यहाँ पर सभी मैनेजर्स आएंगे। ठीक है, फिर मेरे पास अगर मेरे को रूम चेक करने हैं, ठीक है, कि कितने रूम्स हैं अपने पास, तो यहाँ पर वो भी हैं। अरे यार, ये मैंने अब तक ठीक नहीं किया। ठीक है, तो पहले इसी को ठीक करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले इसी को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे MySQL खोला मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रूट, एंड मैं क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेटस या तो क्लीन होता है या फिर डर्टी होता है, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको ठीक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसेस। ठीक है, कौन से डेटाबेस है मेरे को यहाँ से उठाना है, यूज प्रोजेक्ट HMS। ठीक है, यूज प्रोजेक्ट HMS मैंने यहाँ पर उठाया, डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, अब शो टेबल्स, तो मेरे को चेंजेस करने हैं इसमें रूम्स में। ठीक है, तो डेटा देख लेते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, एस भूल गया। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे को एक अपडेट क्वेरी चलानी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अपडेट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अपडेट रूम, जो कि मेरा टेबल का नाम है। ठीक है, सेट स्टेटस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखना है मेरे को क्लीन, CLEANED। ठीक है, क्लीन का सी कैपिटल रखते हैं, या अपडेट रूम सेट स्टेटस इक्वल्स टू क्लीन वेयर, जहां पर AVAILABLE, जहां पर अवेलेबल इज इक्वल्स टू, ठीक है, AVAILABLE अवेलेबल है। ठीक है, क्वेरी ओके, 21 रोज इफेक्टेड। ठीक है, चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार, अरे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आया। या अब यहाँ पे देख लेते हैं रूम पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लोड डेटा किया, या सपने पास सभी रूम्स क्लीन है। ठीक है, तो या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे न्यू कस्टमर फॉर्म में मेरे पास काफी सारे कस्टमर्स थे। ठीक है, 2 कस्टमर होंगे क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सिर्फ 2 ही कस्टमर भरे भरे थे, या 2 कस्टमर हैं, एक शाहरुख खान, एक आयुष्मान खुराना। ठीक है, अब इनकी सपोज मेरे को डेटा को डिस्प्ले कराना है इनकी, तो यहाँ पे कस्टमर इन्फो वाली जो क्लास है यहाँ पर हम वो बनाएंगे अब। ठीक है, तो बिल्कुल डिक्टो है। हाँ ठीक है, तो ये बनाएंगे, पूरा कॉपी पेस्ट चलेगा। ठीक है, या ये वाली क्लास जो है पूरी कॉपी पेस्ट है, मेरे को लास्ट क्लास में इसको करना चाहिए था, लेकिन शायद मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कोई भी एक क्लास कॉपी करते हैं, जो मैनेजर इन्फो है सपोज, मैंने इसी को कॉपी किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है कस्टमर इन्फो के नाम से। ठीक है, क्योंकि वो वाली क्लास भी बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो देख लेंगे क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे कस्टमर इन्फो के नाम से एक नई क्लास बनाई। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, या तो कस्टमर इन्फो के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, उस कंट्रोल ए किया एंड कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, मैनेजर वाली जो क्लास थी वो मैंने यहाँ पे पूरी कॉपी कर दी, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है दोनों, मेरे को उसमें मैंने उसमें भी डेटा डिस्प्ले कराया था और मेरे को यहाँ पे भी डेटा डिस्प्ले कराना है। ठीक है, क्लास का नाम चेंज किया, कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज किया, और नीचे यहाँ पे मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसका नाम चेंज किया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं करना, मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करना है। ठीक है, और वेयर वेयर वाली तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलाते हैं, या लोड डेटा किया। ठीक है, बिल्कुल, बस मेरे को लेबल्स के नाम चेंज करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है मेरा वो टाइप है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप है, फिर मेरे पास यहाँ पे उसका नंबर है, ठीक है, फिर मेरे पास नेम है, फिर मेरे पास जेंडर है, फिर कंट्री है, फिर मेरे पास यहाँ पे रूम नंबर है, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे चेक इन स्टेटस है, और फिर मेरे पास यहाँ पे डिपॉजिट है। ठीक है, बस मेरे को ये चीज चेंज करनी है,
तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंट टाइप एंड फिर नंबर, ठीक है, करते हैं चेंज। तो अपने पास जो सबसे पहला लेबल है वो है यहाँ पे, ये रहा, ये है मेरा डॉक्यूमेंट एंड टाइप, ठीक है। फिर जो है मेरे पास वो है नंबर, NUMBER, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं क्योंकि अब पहले वाला जो लेबल था वो काफी बड़ा था, तो वो पूरा वहां तक आ रहा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस इसको भी थोड़ा सा 60 तक करना है एंड इसको थोड़ा सा बढ़ाना है आगे, या चलाते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप बिल्कुल परफेक्ट है, नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे जेंडर आएगा, ठीक है। तो जेंडर की जगह मेरे को करना है नेम एंड डिपार्टमेंट की जगह मेरे को करना है जेंडर, ठीक है। मैं इसको दोबारा बना भी सकता था लेकिन ये क्लासेस हम पीछे बना चुके हैं तो फालतू में टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे ही काफी वीडियोज बन चुकी हैं, ठीक है, सीरीज लंबी होती जा रही है काफी। तो नेम बिल्कुल सही आया है, ठीक है। जेंडर को मेरे को थोड़ा आगे बढ़ाना है, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट है कंट्री एंड रूम नंबर। तो सैलरी की जगह आ जाएगा कंट्री एंड फोन की जगह आ जाएगा रूम नंबर, ठीक है। जेंडर को थोड़ा आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे इसको किया मैंने 430, लोड डेटा किया, अब वो थोड़ा ज्यादा आगे हो गया, इसको करते हैं 410 करते हैं, ठीक है। और यह चलाते हैं, रूम नंबर को शायद मेरे को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। जेंडर बिल्कुल ठीक है, कंट्री बिल्कुल ठीक है, रूम नंबर को थोड़ा पीछे करना है और थोड़ा उसका डिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। इसको मैंने किया 640 एंड यहाँ पे इसको मैंने किया 100, या चलाते हैं, परफेक्ट बिल्कुल। और यहाँ पे चेकड इन स्टेटस है, इसको स्टेटस रखते हैं सिर्फ, और यहाँ पे ईमेल की जगह करते हैं डिपॉजिट, ठीक है। तो आधार की जगह मैंने किया स्टेटस, ईमेल की जगह मैंने यहाँ पे किया डिपॉजिट, और इसको किया 10 कम करते हैं इसको, परफेक्शन बिल्कुल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ये सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पे गेस्ट हैं होटल में, उन सभी का डेटा है यहाँ पे, आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। बैक पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब कस्टमर इन्फो पे हम वहाँ पे जाने चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। तो रिसेप्शन में गया मैं, रिसेप्शन में कौन सा बटन है कस्टमर इन्फो वाला, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। B5 बटन है यहाँ पे, आप देख रहे हैं B5 बटन है, ठीक है। तो B5 बटन के अंदर मेरे को यहाँ पे न्यू कस्टमर वाली जो मेरी क्लास है उसको बनाना पड़ेगा। तो न्यू कस्टमर इन्फो, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया डॉट सेट विजिबल, इसको ट्रू किया एंड दिस डॉट सेट विजिबल, इसको मैंने किया यहाँ पे फॉल्स, परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। या एरर गया, ठीक है, चलाते हैं। कस्टमर इन्फो पे आए, ठीक है, वापस ये खुला, लोड डेटा किया, डेटा लोड हो रहा है बिल्कुल सेक्सी, ठीक है। बैक गए, परफेक्ट बिल्कुल, वापस आए, लोड डेटा किया, बैक गए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कस्टमर इन्फो क्लास, हम काफी कुछ कर चुके हैं अब इस वीडियो में, ठीक है। न्यू कस्टमर हमने यहाँ पे बनाया था जिसमें हम न्यू कस्टमर से ऐड कर सकते थे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सभी रूम चेक कर सकते थे जिसमें हमारे पास सभी रूम्स जो थे वो क्लीन थे, ठीक है, और 122 ऑक्यूपाइड है, एक और ऑक्यूपाइड है, ठीक है, एक और रूम ऑक्यूपाइड है, लेकिन उस टाइम तक वो फंक्शनैलिटी मैंने वहाँ पे ऐड नहीं की थी, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ आई नहीं है, ठीक है। 102 ऑक्यूपाइड है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। ये ग्लिच है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही कस्टमर ऐड कर दिया था, और वाली फंक्शनैलिटी ऑक्यूपाइड वाली मैंने बाद में डाली थी, अगर आपने वाली वीडियो देखी हो तो, ठीक है। तो इस वजह से 122 आयुष्मान खुराना में वो चीज़ ऑक्यूपाइड है, लेकिन 102 में वो चीज़ अब भी अवेलेबल दिखा रहा है वहाँ पे रूम नंबर, कहाँ के रूम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले, ठीक है, 102 के सामने अवेलेबल है, जबकि ये वाला रूम जो है वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हमें काम करना है वो अपडेट रूम से, ठीक है। तो अब ये वाली क्लास बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे यहाँ क्लास बनानी है, ठीक है, अपडेट रूम के नाम से, या अपडेट रूम के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जे फ्रेम, ठीक है। ऊपर जे फ्रेम को इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट, अरे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट जावा, भाई अब कैपिटल हो गया, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपडेट रूम के नाम से। अब अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे को काफ़ी सारे लेबल चाहिए, ठीक है, चार लेबल चाहिए, टू बिसाइड ऊपर एक हेडिंग को छोड़ के, अगर आप हेडिंग बनाते हैं तो मेरे को पाँच लेबल चाहिए। फिर मेरे पास यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, ठीक है, एक चेकबॉक्स चाहिए मेरे को यहाँ पे, और तीन बटन चाहिए, ठीक है, तीन टेक्स्ट चाहिए, और एक यहाँ पे मेरे को चाहिए एक फोटो चाहिए, ठीक है।
परफेक्ट, बिल्कुल। सबसे पहले लेबल सुनाते हैं, ठीक है। तो जे लेबल मैंने यहाँ पे बनाया, एल कैपिटल, ठीक है। जे जे लेबल एल वन इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया अपडेट रूम स्टेटस, ठीक है। और फिर एल वन डॉट इसको किया मैंने यहाँ पे सेट बाउंस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मैंने सेट बाउंस किया, ठीक है। और ये लेफ्ट से 20 है, मैं सिर्फ डाल के देख रहा हूँ अभी, मेरे को कोई क्यू नहीं है कहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं बस डाल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पर आता है, ठीक है। ऐड करेंगे एलेवन को, अभी ये बहुत छोटा आएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो वो बहुत बड़ा है उस तरफ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा एलेवन डॉट सेट फॉन्ट, ठीक है। और न्यू फॉन्ट, ठीक है। और द होमा, ठीक है। और फिर फॉन्ट डॉट फोन डॉट प्लेन लिखते हैं, ठीक है। फोन डॉट प्लेन, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, कितना रखें, 26 रखते हैं। ये आप चला के देखते हैं, अरे यार अभी कहाँ चला रहा हूँ इतनी जल्दी है भाई। सेट लेआउट नल किया, ठीक है। सेट बाउंस किया, ठीक है। सेट बाउंस करिए करेंगे यहाँ पे, सेट बाउंस करेंगे हम सभी फ्रेम्स में 2500 200 डिस्टेंस दे देते रहे, ठीक है। और यहाँ पे दिया सपोज मैंने 1000, और कितना दे 500, ठीक है, 1/2, हाँ ठीक है। बाद में चेंज कर देंगे जैसा कि हम अब तक करते भी आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया सेट विजिबल और ट्रू, ठीक है। मेन मेथड में बनाते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अपने पास न्यू अपडेट रूम डॉट सेट विजिबल, एंड यहाँ पे आ गया अपने पास ट्रू। इसको हटाते हैं या चलाते हैं अब। अरे अरे 1000 है, 100 नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो इसको 25 करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से 20 करते हैं, और इसको यहाँ से करते हैं 30, या काफी बेटर है। बस इसको 250 किया, चलाते हैं, हाँ वो खुला नीचे वहाँ पे, या परफेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। इसको भी क्लोज किया, एंड इसको भी क्लोज करते हैं, ठीक है। या तो अपना जो फर्स्ट लेबल है वो बन के बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इसके उसको भी चेंज करेंगे, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं पहले, एंड एलेवन डॉट सेट फोरग्राउंड, मतलब इसके फ़ॉन्ट कलर को, ठीक है। इसको करते हैं ब्लू, देखते हैं कलर कलर जो क्लास होती है AWT पैकेज के अंदर, तो मेरे को वहाँ पे उसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, ठीक है। या शिफ्ट F6 दबाया, हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। बस बाद में मैं लेबल्स जो ऐड करूँगा उसके हिसाब से फिर मेरे को इनको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रा बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो लेबल है इसी को कॉपी मारते हैं, ठीक है। बहुत टाइप करना पड़ेगा नहीं तो। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 लेबल्स हैं, ठीक है। तो पहले इसमें मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, ठीक है। इसको L2 लिया, और यहाँ पे फ़ॉन्ट की मेरे को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिया सिंपल L2, और यहाँ पे लिया L2, ठीक है। और ये वाला जो मेरा लेबल है वो है गेस्ट के नाम से, तो गेस्ट ID मैंने यहाँ पर लिया, या परफेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अब वो 30 देते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से डिस्टेंस कितना है, 50, तो यही हो जाएगा, तो इसको 80 देते हैं। और इसको 250 तक देने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसको देते हैं 120, कहाँ गया कर्सर, ये रहा 120, ठीक है। एंड इसको 30 देने का कोई लॉजिक नहीं है, इसको देते हैं 20, ठीक है। इसका थोड़ा फॉन्ट बनाया क्या, बाद में देखेंगे, चलो ठीक है। फिर जो मेरे पास सेकंड लेबल था वो गेस्ट आईडी के नाम से था, गेस्ट आईडी के बाद मेरे पास यहाँ पे 3 लेबल्स है, रूम नंबर, अवेलेबिलिटी और चेक स्टेटस के नाम से, ठीक है। वो तीनों बनाएंगे, रूम नंबर, अवेलेबिलिटी एंड चेक स्टेटस, या तो ये वाला जो मेरा लेबल है वो L3 के नाम से होगा सपोज, ठीक है। तो L3 दिया मैंने यहाँ पे L3, और ये L4 के नाम से, ठीक है। ये भी L4 एंड ये भी L4, ठीक है।
एंड यहाँ पे L5 और ये भी L5 एंड ये भी L5, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। गेस्ट आईडी के बाद मेरा नेक्स्ट लेवल है वो रूम नंबर के नाम से है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये दिया रूम नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट लेवल है वो अवेलेबिलिटी के नाम से है, ठीक है। AVALABLY, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है वो मेरा क्लीनिंग स्टेटस के नाम से है, क्लीन स्टेटस, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 40-40 का गैप रखते हैं, ठीक है। तो 120 यहाँ पर था, तो यहाँ पर कितना करते हैं 160, एंड यहाँ पर कितना करते हैं 200, ठीक है। एंड यहाँ पर कितना करते हैं 240, चला के देखते हैं। अरे अरे यार, कहाँ चेंजेस कर दिए उन्होंने भाई, क्या हो गया है। तो यहाँ पे आ गया 200। फोर्थ लेवल कहाँ कहाँ गया? 80, 120, 160 एंड 200 है वो। ठीक है ठीक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसको करेंगे 180, इसको करेंगे 230, या बेटर, ठीक है। अब तो मेरे पास यहाँ पे जो ये वाली फील्ड है गेस्ट आईडी, इसमें मेरे पास यहाँ यहाँ पर एक चेक वो है, चॉइस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक जे नहीं सिंपल चॉइस बनाई, क्योंकि चॉइस जो होती है अपनी वो AWD के अंदर होती है, तो यहाँ पे इस चॉइस के सामने हम जे नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर गेस्ट आईडी के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा C1 इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई कैच लगाया, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे को सभी नंबर्स लेकर आने हैं, ठीक है, जो कस्टमर के नंबर थे ये वाले, ठीक है, ये वाले नंबर्स। तो अब मेरे को यहाँ पर सभी वो लेके आने हैं, फेच करने हैं और फिर डायनेमिकली इसमें ऐड कराने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कैश लगाया। अब इसके अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन, कौन क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट सेट के लिए मेरे को वहाँ पे ऊपर SQL पैकेज को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, अभी ये एरर देगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपल चला एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दी क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक वाइल लगाना पड़ेगा मेरे को, वाइल, और जो ट्रैक करेगा पूरे रिजल्ट को, तो उसके लिए नेक्स्ट फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। ये कॉलम टू कॉलम जंप करता है, ठीक है, वाइल रो टू रो जाएगा और ये कॉलम टू कॉलम जाएगा, ठीक है। तो C1 डॉट ऐड किया मैंने यहाँ पे। अब मेरे को वो चीज़ें एक चॉइस में ऐड करनी है, ठीक है, जहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है वो मैच होती है मेरी किसके साथ, नंबर के साथ। कौन सा नंबर? जो मेरा यहाँ पर ये वाला नंबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, अगर मेरी जो स्ट्रिंग है वो मैच होती है मेरी नंबर के साथ, ठीक है, तो मेरे को इसको यहाँ से डेटा को उठाना है, ठीक है। अगर नंबर मैच होता है, ठीक है, नंबर कॉलम अगर मैच होता है, तो उसकी वैल्यू को मेरे को उठा के सीधा चॉइस में ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिखा, ये एरर दे रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कैच नहीं लगा हुआ। कैच लगाएंगे तो ट्राई से एरर चला जाएगा, ठीक है। तो कैच लगाया मैंने यहाँ पे। अब रिजल्ट सेट में एरर है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे SQL पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा, रिजल्ट सेट क्लास जो हमारी होती है वो SQL पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे SQL पैकेज को इंपोर्ट कराया, रिजल्ट सेट से एरर गया, ठीक है। या चला के देखते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ आई है, अभी कहाँ से आ जाएगी, अभी सेट बाउंड करना है इसको, ठीक है। तो C1 डॉट सेट बाउंस मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, C1 डॉट सेट बाउंस, और इसको स्टार्ट करते हैं 200 से, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, ठीक है। 280 एंड 150 एंड 1325, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे C1 को, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे पास दो मेरे पास डेटा थे, एंड दोनों नंबर में मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। एक मेरे पास पासपोर्ट नंबर है, एक मेरे पास आधार नंबर है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे पास पासपोर्ट नंबर है ये वाला, एक मेरे पास यहाँ पे आधार नंबर है ये वाला, तो दोनों जो डेटा है यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो तीन टेक्स्ट फील्ड बनानी है अब मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर पहले तो जे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करते हैं, T1, T2 एंड T3, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको लिखना है T1 डॉट, अरे यार, T1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, एक सेकेंड, या टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है T1 डॉट सेट बाउंस करेंगे इसको, ठीक है। सेट बाउंस करने के बाद फिर इसको ऐड करा देंगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब लेकिन जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो 200 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि हमारा ऊपर चॉइस स्टार्ट हुआ था 200 से, एंड ये जाएगा 130 पे,
एंड फिर हम अपने पास ऊपर जो डेटा था वो था 120, 150 एंड 25, ठीक है, और इसको ऐड किया हमने T1 को, ठीक है, कॉपी कराएंगे क्योंकि मेरे को ये चीज़ें नीचे भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, स्पेस दिया एंड यहाँ पर, ठीक है, T1 को चेंज करेंगे T2 से और बाद में आके फिर सेट बाउंड को भी चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर T3 आ गया सब और यहाँ पर आ गया T3, ठीक है, अब ये 130 की जगह हो जाएगा 180 एंड ये 130 की जगह हो जाएगा 230, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल या बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे तीन बटन्स हैं, ठीक है, अपने अगर देखो तो मेरे पास यहाँ पे तीन बटन्स हैं, एक चेक का बटन, एक अपडेट का बटन, एक बैक का बटन है। चेक का बटन क्या करेगा कि जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और चेक पे क्लिक करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके फिल हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे तीन बटन चाहिए, मैंने यहाँ पे तीन बटन बनाए, जे बटन बनाया सबसे पहले, जे बटन B1, B2 एंड B3, ठीक है, फिर नीचे आके यहाँ पे बटन को डिक्लेयर भी करना है, ठीक है, डिफाइन करना है मतलब, तो B1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, और ये होगा अपना चेक के नाम से, फिर B1 डॉट सेट बैकग्राउंड, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया B1 डॉट ब्लैक, ठीक है, और फिर B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, सेट फोर ग्राउंड, और यहाँ पे आ जाएगा कलर डॉट वाइट, हाँ एक सेकेंड, कलर डॉट, अरे क्या हो रहा है, वाइट, या ठीक है, उसके बाद फिर B1 डॉट सेट बाउंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे B1 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है कि, और ये कितना हो जाएगा, 30 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 350 तक है, 350 में से एक सेकेंड थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है मेरे को, ठीक है, 350 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 150 जो कि हो जाएगा 350 और 120 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, और ये बचेगा कितना, 230, ठीक है, 230 का आधा कितना होता है, 110 रखते हैं इसको, ठीक है, आई हैव नो क्लू कहाँ पर आएगा, मैं बस देख रहा हूँ, ठीक है, चेक करके, और इसको किया 280 और यहाँ पे 120 एंड 30, या ठीक है, ऐड करेंगे B1 को, चेक करते हैं, काफी बेटर आया है कैलकुलेशन इस बार बिल्कुल ठीक बैठी है बस इसको थोड़ा सा नीचे करना है मेरे को, तो ठीक है, तो इसको 300 दिया। अब जो बाकी के अपने दो बटन से वो बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पूरे को कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट मारा एंड यहाँ पे पेस्ट किया, तो सेकेंड जो मेरा बटन है वो B2 के नाम से है, तो मैंने यहाँ पे B2 एंड यहाँ पर आ गया B2, ठीक है, थर्ड जो मेरा बटन है वो B3 के नाम से, तो B2 को B1 को मैंने यहाँ पे सबको B3 से प्लेस किया, ठीक है, और बटन का B2 बटन का नाम है मेरा अपडेट, तो इसको करेंगे अपडेट एंड यहाँ पर करेंगे बैक, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एक एक्शन चाहिए, ठीक है, तीनों में से जिस भी बटन पे क्लिक होगा उन सब पे मेरे को अलग अलग एक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एक्शन लिस्नर, एक्शन लिस्नर इंटरफेस को मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, एक्शन लिस्नर मेरा यहाँ पे इंटरफेस होता है java.awt.event के अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक मेथड भी होता है एक्शन लिस्नर इंटरफेस के अंदर, उस मेथड को मेरे को यहाँ पे ओवरराइड कराना पड़ेगा, ठीक है, उस मेथड को ओवरराइड कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक void action performed, ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया एक्शन इवेंट ए, ठीक है, परफेक्शन, बिल्कुल। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है कि तीनों में से कौन सा बटन क्लिक हुआ है, तो ए डॉट गेट सोर्स, ठीक है, अगर B1 बटन क्लिक हुआ है तो उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आएगी, लेकिन अगर B2 बटन क्लिक हुआ है तो उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आएगी, ठीक है, एक सेकेंड, या एंड अगर B1 एंड अगर B3 बटन क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज B3 बटन क्लिक हुआ है जो कि मेरा यहाँ पर बैक बटन है, तो उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आएगी, ठीक है, B3 बटन मेरा नथिंग इज जस्ट, वो ये है कि वहाँ पर आपको वो होता है, क्या होता है ये बैक लेके जाता है तो यहाँ पे सिंपल मेरे को रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड दे दो बस, ठीक है, या सेंड रिसेप्शन डॉट सेट विजिबल और यहाँ पे आ गया ट्रू, ठीक है, यहाँ पे सपोज ट्रू आ गया और फिर ये दिस डॉट सेट 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 विजिबल की मतलब रिसेप्शन फ्रेम तो वो खोले, लेकिन रिसेप्शन फ्रेम खुलते ही जो मेरा करंट फ्रेम है, मतलब जो मेरा ये वाला फ्रेम है,
जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ये क्लोज हो जाए एकदम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेट विजिबल ट्रू किया, ये क्लोज नहीं हुआ हुआ यहाँ पे, इस वजह से एरर था। या तो चला के देखते हैं, अभी उनको मैंने सेट बाउंस नहीं किया तो पहले दो दो बटन से उनको सेट बाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इनको चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, तो कितना गैप है ऊपर, 70 का गैप है, इसमें 50 का गैप रखते हैं, तो यहाँ पर 50 50 एंड 110 नहीं देते, इसको देते हैं 40। ठीक है, 40 एंड 120 इज 160। ठीक है, इसको कर देते हैं कितना, 220। या चलाते हैं, चेक वाले बटन को मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको 150 देते हैं चेक वाले बटन को। ठीक है, को मैंने 150 दिया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये 130 देते हैं, बिल्कुल सेंटर में आए बटन। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बटन जो है बिल्कुल सेंटर में आए। हाँ, जैसे अभी बिल्कुल सेंटर में है ना, सेंटर में है, या बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और जो बाकी का एरिया है उसको हटाते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे 500 की जगह लिखेंगे 450। ठीक है, मतलब जब 50 कम कर रहा हूँ उसको मैं, परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, इसको जरा थोड़ा ऐसे कलर को चेंज करते हैं फ्रेम के, तो मैंने यहाँ पर लिखा गेट गेट कंटेंट पेन। ठीक है, गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कलर डॉट वाइट, परफेक्ट बिल्कुल। चलाते हैं, अरे यहाँ एरर आ गया। या ठीक है, चलाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक क्लिक हो, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सपोज मैंने गेस्ट आईडी ये वाली क्लिक की, तो इस गेस्ट आईडी के रेस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पे जो भी डेटा है वो सारा डेटा निकल के मेरे पास यहाँ पर इन तीनों उसमें फिल हो जाए। मतलब इन तीनों जो मेरी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनमें फिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे B1 के अंदर जाना है। ठीक है, B1 के अंदर सबसे पहले तो मेरे को चॉइस में से डेटा को निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू C1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि मेरी मेरी जो चॉइस है वो C1 के नाम से, तो मैंने यहाँ पे C1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम किया। अब मेरे को डेटाबेस में काम करना है, क्योंकि मैं अब मेरे को क्वेरी चलानी पड़ेगी जिसमें से इसमें से मैं डेटा को फाइंड करूंगा। मैंने यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मेरे को डेटाबेस में काम करना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट सेट RS इज इक्वल्स टू C डॉट S डॉट। ठीक है, अब एक को यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी चलानी है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मेरी कौन सी क्वेरी है वो जो एग्जीक्यूट होगी वो है मेरे पास सिलेक्ट। अब मेरे को कस्टमर टेबल में से डेटा निकालना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टेबल में से मेरे को सारा डेटा चाहिए, वेयर वेयर नंबर इज इक्वल्स टू, जहां पे नंबर जो होता है उसके मैच होगा जो यहाँ पर आएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, या जो नंबर है यहाँ पे S1 में होगा। ठीक है, अगर उससे मेरा यहाँ पे नंबर मैच होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या? हाँ, इसमें एरर क्यों है, यहाँ पे शायद इसको ट्राई कैच के अंदर डाला हुआ, इसलिए एरर है। देखते हैं चेक करके, वैसे मेरे को लग रहा है वही एरर है, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ हम जब भी कुछ करते हैं तो हमें उसको ट्राई कैच के अंदर डालना होता है। या तो यही एरर थी। ठीक है, तो या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब S1 के अंदर से जो हमारे पास डेटा आएगा, वाइल RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, अब यहाँ से इसके अंदर से जो मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा उसको मेरे को सेट कराना है, तो मेरे को यहाँ पे सेट टेक्स्ट का मेरे पास यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं जो टेक्स्ट फील्ड पे लगते हैं, एक होता है अपने पास गेट टेक्स्ट एंड एक होता है अपने पास सेट टेक्स्ट। अब तक हमने पिछली जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब में गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया, क्योंकि हम वहां से टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू को निकाल रहे थे। ठीक है, जब भी यूजर ने सपोज टेक्स्ट फील्ड में कोई वैल्यू फिल की है और हमें वहां से उस वैल्यू को निकालना है, तो हम फंक्शन का यूज करते हैं गेट टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, जो हम अब तक पीछे करते आए हैं। लेकिन अब मैंने आपको क्या वो बोला हुआ है कि मेरे को इस आईडी के रेस्पेक्ट में जितना भी डेटा है, सी वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, इस वाली आईडी के रेस्पेक्ट में मेरे पास जितना भी डेटा है उस सभी डेटा को मेरे को वहां पे टेक्स्ट फील्ड में जाके फिल करना है। ठीक है, अब मेरे को वहां पे फिल करने का मेरा मतलब है कि मेरे को वहां से डेटा निकालना नहीं है, मेरे को उसमें जाके डेटा को सेट करना है। तो उसी सेट डेटा को सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन यूज होता है गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे जैसे कि हम अब तक पीछे करते आए हैं। ठीक है, अरे गेट स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट नहीं। ठीक है, अब
यहाँ पे मेरे को यहाँ से स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। कौन सा डेटा होगा सबसे पहले जो टेक्स्ट फील है उसमें मेरे को रूम नंबर, जो रूम नंबर फिल करना है कस्टमर नेक टेबल में, रूम नंबर मेरा किस नाम से है, रूम नंबर मेरा यहाँ पे रूम के नाम से है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे रूम डालना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली डेटा फेच होगा और वो सीधा जाके वहाँ पे फिल हो जाएगा किसमें, टेक्स्ट फील में, ठीक है। सारा डेटा होगा वो यहाँ से फेच हो जाएगा। तो T2 आ गया, T3 आ गया, ठीक है। अब T2 कौन सी मेरी फील्ड है, मेरे को चेक करना है, अवेलेबिलिटी है और क्लीनिंग स्टेटस है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी और क्लीनिंग स्टेटस, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे वो डेटा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पे वो डेटा ही नहीं है, ठीक है। रूम का तो मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब नंबर से मैं रूम को तो ले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूम मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो कस्टमर जो है 102 और 122 रूम नंबर में ठहरा हुआ है, लेकिन अब 102 रूम का स्टेटस क्या है, ठीक है, कि वो वहाँ पे क्लीन है वो, या फिर वो चेक इन स्टेटस क्या है उसका, बंदा चेक इन कर चुका है या नहीं कर चुका, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो अवेलेबिलिटी कि रूम जो है अवेलेबल है या नहीं है, दूसरा क्लीनिंग स्टेटस, ठीक है, कि रूम जो है वो क्लीन है या नहीं है, तो वो मेरे को यहाँ पे कस्टमर टेबल से पता नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वो दोनों फील्ड ही नहीं। अब इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा रूम स्टेटस में, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास उस जो 102 रूम नंबर है, यहाँ पर 102 रूम नंबर है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास उसका अवेलेबिलिटी स्टेटस भी है कि रूम जो है वो अवेलेबल है, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास उसका क्लीनिंग स्टेटस भी है कि रूम जो है क्लीन है या फिर नहीं है। तो ये चीज मेरे को यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो मैंने एक और रिजल्ट सेट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट सेट RS2 लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट नहीं चलाना मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड, RS2, या तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम लिखेंगे इस बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर, अब यहाँ पे रूम 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 नंबर किस नाम से इस वाले टेबल में, वो रूम के नाम से, ठीक है। वेयर रूम इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रूम तो है ही नहीं, ठीक है। रूम मैंने यहाँ पे लिख तो दिया जहाँ पर रूम इसके इक्वल है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रूम नहीं है, ठीक है। तो मेरे को इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दी थी। तो मेरे को यहाँ पे इसको, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा और इसको चलाना पड़ेगा यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे चलाना पड़ेगा मेरे को यहाँ यहाँ पे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे ऊपर एक स्ट्रिंग रूम जो के नाम से एक वेरिएबल रिटर्न करेंगे जो भी इनिशियली नल रिटर्न करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे रूम के अंदर यहाँ पे करेंगे T1 डॉट, अरे RS.getString, T1 डॉट नहीं, RS.getString, और इसके अंदर से निकालेंगे रूम को, ठीक है। रूम निकाल के मैंने भेजा यहाँ पे रूम के अंदर, ठीक है। ये दोनों टेक्स्ट फील्ड हटाते हैं क्योंकि ये दोनों मेरे को यहाँ से नहीं पकड़नी, वो दोनों वहां से आएंगी, ठीक है। फिर वाइल के नाम से मैंने यहाँ पे एक चलाया RS.next। उससे पहले मेरे को एक काम और करना है, क्या काम करना है कि यहाँ पर ये S1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रूम, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक सेकेंड इतना चला के देख लेते हैं, इतना चला के देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया तो चेक किया तो यहाँ पे रूम नंबर आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे शायद एक्शन लिस्ट नहीं लगाया। ये मैं फिर इस वीडियो में भूल गया लगाना। पिछले 4 वीडियो में हमेशा भूल रहा हूँ, और मेरे को हर बार क्लिक करने के बाद ही याद आता है। कोई बात नहीं, ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको चेंज किया B2 पर, ठीक है, और यहाँ पर आए एंड इसको चेंज किया मैंने यहाँ पे B3 पर, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल। चला के देखते हैं, चेक किया, या रूम नंबर में मेरे पास यहाँ पे निकल के आया, सेट सेट भी हुआ है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को इस रूम नंबर के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबिलिटी और क्लीनिंग स्टेटस सेट करना है, ठीक है। अब वो सेट करेंगे तो यहाँ पे रूम मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है T2 डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। अब RS2 डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इस बार मेरे पास जो डेटा है वो RS2 में है, ठीक है। क्या चेक करना है, मेरे को एक तो अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो कॉलम जो है मेरा वो अवेलेबल के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा और इसको किया कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको किया पेस्ट। अब T3 जो है मेरा वो स्टेटस के नाम से, तो यहाँ पे वो भी स्टेटस के नाम से है, परफेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। ये क्लीनिंग स्टेटस बताएगा कि रूम जो है वो क्लीन है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मेरे पास T3, या परफेक्शन, बिल्कुल, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से चलना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चेक किया यहाँ पर मैंने, आहा, नहीं चला, एक्सेप्शन प्रिंट कराते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन प्रिंट होगी तो शायद मेरे को कुछ आइडिया लगे, ठीक है। तो system.out.println, और यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट कराई ई के नाम से, ठीक है, और इसको चलाते हैं। अरे अच्छा, सेमी कॉलन नहीं है,
ठीक है, चेक किया, या एक्सेप्शन है, ऑपरेशन नॉट अलाउड आफ्टर रिजल्ट सेट क्लोज्ड। अरे यहाँ पे RS नहीं आएगा, यहाँ पे RS 2 आएगा, ठीक है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है शायद। अब चेक कर लेते हैं, या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रूम नंबर है 102, ठीक है, उसका अवेलेबिलिटी वो अवेलेबल है, जिसको मेरे को यहाँ पे ऑक्यूपाइड करना है, क्योंकि ये अभी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और यहाँ पे क्लीनिंग स्टेटस जो है वो क्लीन है, तो ठीक है, तो डेटाबेस में से मेरे पास यहाँ पे डेटा निकल के आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब मेरे को अपडेट पे काम करना है, ठीक है। सपोज मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे इसको कर दिया ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस किए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल की जगह मैंने इसको यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये सारा डेटा मेरे को वहां पे चाहिए, कहाँ पे, तो सारा डेटा मेरे को वहां पे डेटाबेस में अपडेट भी करना है, ठीक है। सपोज अगर रूम नंबर के सपोज अगर यहाँ पे रूम नंबर पे मैंने अवेलेबल की जगह उसको ऑक्यूपाइड कर दिया, तो मेरे को वहां पे भी डेटा चाहिए, ठीक है। तो यार ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्योंकि गेस्ट आईडी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, गेस्ट आईडी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मेरे को ये वाली गेस्ट आईडी चेक करनी है कि ये बंदा कौन से रूम में बैठा हुआ है, तो वो बंदा बैठा हुआ है 2122 में, ठीक है। मेरे को इसको चेक करना है, ये कहाँ पर है, तो ये है बंदा 102 में, ठीक है। मेरे को वापस चेक करना है, तो ये है 122 में, जिसका अवेलेबिलिटी ऑक्यूपाइड है रूम की, ठीक है। तो अब मेरे को इसको अपडेट करना है, ठीक है, ठीक है। जनरली जो स्टेटस अपडेट होंगे वो अवेलेबिलिटी अपडेट होगी, या फिर क्लीनिंग स्टेटस अपडेट होगा, तो हमें यहाँ पर कस्टमर टेबल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ रूम टेबल पे काम करना है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे जा रहे हैं हम, ठीक है। जो अपना सेकेंड वाला बटन है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ट्राई कैश लगाए, स्टार्टिंग में ट्राई कैश लगा देते हैं, फिर बाद में यार एरर्स आती हैं फालतू की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ई किया इसको, ठीक है, और यहाँ पे बनाया कौन क्लास का ऑब्जेक्ट, कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कौन, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को वहां से डेटा को निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा t1 डॉट, एक स्ट्रिंग में डालेंगे सबसे पहले, स्ट्रिंग रूम इज इक्वल्स टू t1 डॉट get text, ठीक है। t1 डॉट get text और स्ट्रिंग avail इज इक्वल्स टू t2 डॉट get text, ठीक है, और फिर स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल्स टू t3 डॉट get text, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पे क्वेरी बनानी है, तो सबसे पहले क्वेरी बनाते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू अपडेट रूम, ठीक है, सेट, ठीक है, अपडेट, अब अपडेट रूम किया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास कॉलम का क्या नाम है अवेलेबल है, हाँ, सेट avail सेट अवेलेबल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दबाया, ये किया और ये किया और ये किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है, सेट avail सिक, ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे अवेलेबल करना है, देखते हैं स्ट्रिंग चल रही है, हाँ स्ट्रिंग चल रही है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, एक सेकेंड उसमें कॉलम का नाम देख लूँ मैं, या कॉलम का नाम बिल्कुल स्टेटस ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये किया, इसको ये किया, इसको ये किया, इसको ये किया एंड ये किया, उसको चेक किया यहाँ पे स्टेटस, या बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो c.s.execute अपडेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार मैं वहाँ पे टेबल को अपनी अपडेट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे str पास किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक डायलॉग पॉपअप कराएंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, और यहाँ पे किया मैंने नल, और रूम अपडेटेड सक्सेसफुली। एक सेकेंड, फुली, या उसके बाद फिर न्यू रिसेप्शन का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे इसमें कोई काम तो होगा नहीं, तो इसको फालतू में खुले रखने से कोई फायदा नहीं है, तो सीधा बैक जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ पे ट्रू, और दिस डॉट सेट विजिबल को मैंने यहाँ पे किया फॉल्स, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर एक मिस्टेक हुई भी है, सबसे पहले उसको ठीक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक से मेरा मतलब कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक मेरा मेरा मतलब यहाँ पर है कि जब ये वाला बंदे को मैं चेक कर रहा हूँ, तो उसका रूम जो है वो अवेलेबल दिखा रहा है, जबकि ये वाला रूम जो है वो ऑक्यूपाइड है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी रुका हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया ऑक्यूपाइड पे, ठीक है, इसको अपडेट किया, तो रूम अपडेटेड सक्सेसफुली, परफेक्शन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन आया। ये नहीं चल रहा अपडेट रूम स्टेटस, ठीक है, इसको सबसे पहले इसी को देखते हैं, इसी को देखते हैं सबसे पहले।
ठीक है, तो रूम अपडेट रूम स्टेटस मेरा किस नाम से है, B9 बटन है मेरा वो, ठीक है, अपडेट रूम स्टेटस वाला। तो यहाँ पे B9 बटन पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू अपडेट रूम के नाम से, ठीक है, अपडेट रूम, और यहाँ पे करेंगे सेट विजिबल, और इसको किया ट्रू, एक सेकेंड इसको किया यहाँ पे ट्रू, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गए और दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स किया, मतलब जो करंट फ्रेम है उसको मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। ठीक है, चलाते हैं अपडेट रूम स्टेटस, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है, इसको चेक करते हैं, या अब ऑक्यूपाइड आ चुका है यहाँ पे, इस वाले बंदे पे पहले अवेलेबल आ रहा था, हमने उसको चेंज किया और इसको कर दिया ऑक्यूपाइड, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर ये बैक करने पे लास्ट वाला क्लोज नहीं हुआ, आप अगर देख रहे हो, ठीक है, तो इसको ठीक करते हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये इतने सारे क्यों खोल दिए इसने। हाँ कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। दिस डॉट, अच्छा यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू हुआ है, ठीक है, इस वजह से हो रहा था, इसको सेट विजिबल फॉल्स करना है, तो माय मिस्टेक, इसको चेक किया, ठीक है, ऑक्यूपाइड है, बैक करेंगे, वो वाला क्लोज हो गया, ये खुल गया, ठीक है, वापस रूम स्टेटस पे आए, वो क्लोज हो गया, ये खुल गया, ये क्लोज हो गया, ये खुल गया, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरे वाले का स्टेटस भी देख सकते हैं, यहाँ पे चेक किया, ये ऑक्यूपाइड है और क्लीन है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पे रूम में जाके चेक करोगे ना, तो यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड आएगा। तो एक मिस्टेक हुई है, ठीक है, एक मिस्टेक हुई है, या एक टेक्निकल मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर अपडेट क्वेरी गलत गलत चलाई है मैंने, ठीक है, अपडेट क्वेरी कैसे गलत चलाई है, कि मैंने अपडेट रूम कर दिया और उसका सेट अवेलेबल कर दिया अवेलेबल, और उसका स्टेटस कर दिया सेट स्टेटस, जबकि यहाँ पे मैंने वेयर कंडीशन लगाई नहीं, तो यहाँ पर वेयर कंडीशन भी तो आनी थी, अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे, उसने तो वहाँ पे सबको ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक सेकेंड इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें रूम में अवेलेबल में सारे ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, जबकि सिर्फ दो रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, एक 102 है, एक 122 है, और इसने यहाँ पे सभी को ऑक्यूपाइड कर दिया, ठीक है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, कि हमें अपडेट क्वेरी तो चलानी है, लेकिन कहाँ पे चलानी है, तो वो अपडेट क्वेरी हमें वहाँ चलानी है वेयर रूम इज इक्वल्स टू, अब मेरे को यहाँ पे रूम देना पड़ेगा कि जहाँ पे रूम नंबर मेरा ये वाला इक्वल है, यार मैं ये पता नहीं कैसे मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो यह अब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सबसे पहले उसको ठीक करते हैं, वो जो रायता फैलाया ऊपर। ये यहाँ पे सभी रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, ठीके? इसको ठीक करते, तो मैंने एक अपडेट क्वेरी स्टार्टिंग में चलाई थी, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपडेट और इसको सेट वेयर अवेलेबल, ठीक है, और ये क्लीन था, और यहाँ पे वेयर अवेलेबल इज इक्वल्स टू एंड या, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी 22 रोज हैं उन सबको मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया, और ये सभी क्लीन आ गए, ठीक है, अब जो चीज मिस्टेक हुई है उसको ठीक करते हैं, ठीक है, क्या मिस्टेक हुई है, कि ये जो बंदा है इसका ये रूम है वो अवेलेबल है, इसको किया मैंने यहाँ पे ऑक्यूपाइड, ठीक है, अपडेट करते हैं रूम अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, एक और बंदा है जो रुका हुआ है, ये वाला बंदा है, इसका चेक करते हैं, इसका भी स्टेटस जो है वो अवेलेबल है, इसको भी करते हैं ऑक्यूपाइड, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, या तो लोड डेटा किया, बिल्कुल परफेक्ट है, 102 वाला ऑक्यूपाइड है एंड 122 वाला ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अब सपोज कंप्लेन आई है कि रूम गंदा हो गया, ठीक है, उसको साफ कराना, सपोज 102 से कंप्लेन आई है, ठीक है, तो ये वाला जो इस रूम का जो स्टेटस है वो क्लीन है अभी, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके इस वाले रूम के स्टेटस को कर देंगे डर्टी, ठीक है, क्लीन से हटाया मैंने, और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया डर्टी, ठीक है, अब जो क्लीनिंग स्टाफ है उसको पता चल जाएगा कि ये वाला जो रूम है इसको ये डर्टी है, ठीक है, इसको अभी क्लीन करना है, और क्लीन होने के बाद हम इसको वापस सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे जाएंगे और क्लीन होने के बाद वो वापस सेट हो जाएगा क्लीन, ठीक है, तो या बिल्कुल परफेक्ट, तो ये हमारी क्लास थी यहाँ पर अपडेट रूम स्टेटस, ठीक है, तो या बिल्कुल ठीक है, बस अब यहाँ पे हमें एक फोटो लगानी है, फिर हमें हमारी इस क्लास का काम खत्म, ठीक है, पहले सभी जितने भी फ्रेम्स हैं उनको क्लोज कर देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा, या ठीक है, तो इमेज देख लेते हैं कौन सी इमेज है, शायद 9th.jpg है, ठीक है, एक सेकेंड मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये वाली इमेज है क्या, नहीं ये इमेज नहीं है, ये वाली है शायद 6.jpg, देखते हैं एक सेकेंड, नहीं 7.jpg है, या ये वाली इमेज है 7.jpg, ठीक है, ये वाली इमेज उठानी है हमें, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर करता हूँ, या तो ये वाली इमेज उठानी है, ठीक है, परफेक्ट भी बिल्कुल, अब यहाँ पे ये इमेज उठाएंगे, ठीक
तो यहाँ पर मैंने किया इमेज आइकन, एक सेकेंड, इमेज आइकन आई वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे किया हमने न्यू इमेज आइकन, ठीक है, और इसको किया क्लास लॉडर डॉट गेट सिस्टम, और यहाँ पे आ गया अपने पास रिसोर्स, ठीक है, कहाँ पे पड़ी हुई है इमेज, होटल के अंदर, अरे यार क्या हो रहा है, MEND और इसके अंदर आइकन्स के अंदर इमेज कौन सी है, SEVENTH.JPG, या ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया एक जे लेबल, ठीक है, L6 के नाम से इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, क्योंकि पांच लेबल हम पहले ही बना चुके हैं, और इसके अंदर मैंने डाला आइकन, ठीक है, अब मेरे को शायद कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ये परफेक्ट नहीं आएगा, सेट बाउंस करेंगे इसको, BOUNDS, ठीक है, अब कहाँ तक आएगी ये, 1 to 200 and 350 तक तो वही आ रही है, तो यहाँ पे इसको 400 से स्टार्ट करते हैं, 450 and 500 and 400, ठीक है, आई हैव नो क्लू ये कहाँ पे आएगा, बस मेरे को चेक करना है कहाँ पर आ रहा है, फिर देखते हैं, या इमेज को छोटा लग छोट इमेज छोटी करनी पड़ेगी हॉस्पिटल का बेड लग रहा है हाँ ठीक है, तो इमेज को छोटा करते हैं, तो यहाँ पे इमेज आई टू इजिकल्स टू आई वन डॉट गेट इमेज डॉट गेट स्केल इंस्टांस, ठीक है, कितना रखें, 500, 300 किया इसको, और यहाँ पे आ गया इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, इमेज डॉट स्केल अंडरस्कोर डिफॉल्ट, इसको आप बस इमेज आइकन में चेंज किया, इमेज आइकन i3 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर पास किया हमने यहाँ पे i3, नहीं, इसके अंदर पास किया हमने i2, और यहाँ पे पास किया हमने i3, या चेक करते हैं, काफी सही आई है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, इसको सबसे पहले ऊपर लेके जाते हैं, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, तो काफी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस ब्रेथ में इसको थोड़ा कम करते हैं, फिर अपना काम खत्म, तो उसको 980 किया मैंने, इसको 1 0 हटाई, ठीक है, ब्रेथ में वो काफी थोड़ा ज्यादा हुआ पता, या बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे, सारा डेटा अपने पास है, बैक करेंगे, अपडेट रूम स्टेटस चेक किया, सारा डेटा अपने पास है, सो या ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई थी समझाने में, ठीक है, तो जिनको समझ आया वो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझ पाए, ठीक है, कि इस क्लास में क्या हुआ है, तो वो प्लीज कमेंट करना, ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कमेंट्स में, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज आपको वो समझ आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, ठीक है, आपने को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, मेरा जो यूजर नेम है वो एक कोर्ट फॉर इंटरव्यू, ठीक है, वहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगा, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, सो या एंड यहाँ पे लेबल जो है एक तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा बीच में करना है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सेट बाउंस ये वाला जो 500 है इसको बढ़ाना है, वो लेबल को सेट बाउंस है, बस उसको उसको बढ़ाना है, ठीक है, तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।